आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे शेयर बाजार का अपडेट, कम्युनिटी बाजार का अपडेट और आज का राशिफल। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आपको बता दूं, अगर आप भी लॉकडाउन की वजह से परेशान है कि लॉकडाउन कहीं लग ना जाए, क्योंकि भारत में ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और आपका कारोबार ठप ना हो जाए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका कारोबार बचाने संभालने आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। माई बिग ब्लिस ऐप को आपको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में और उस पर अपनी दुकान रजिस्टर कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन का एक भी रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल मुफ्त है सब कुछ। आपको बस इस पर अपनी दुकान रजिस्टर करनी है और फिर आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। आप व्यापारी हो या ना हो, तब भी आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपना कुछ भी सामान घर बैठे बैठे बेच सकते हैं और इसका भरपूर लाभ कमा सकते हैं। फिर तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसके साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का संयुक्त प्रयासों से ये शो आप तक प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, शो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं, आगाह भी करना चाहता हूं कि ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के रिसर्च के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप स्वयं का विवेक अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी जानकारी कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। आज के शो में हम राशिफल, राशियों के आधार से ग्रह स्थिति क्या है, एग्रो जींस के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी और भारतीय शेयर बाजार के अंदर क्या हलचल रहेगी, इसके ऊपर खुलासा करेंगे। सबसे पहले आज की ग्रह स्थिति। आज देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में है, शनि मकर राशि के अंदर है और मकर और वृश्चिक राशि में मंगल और केतु की स्थिति है। और वृश्चिक राशि से 180 डिग्री की दूरी पर वृषभ राशि, जहां पे राहु विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ में ग्रहों के राजकुमार बुध का भी अद्भुत सहयोग बाजारों में देखने को मिलता है और शुक्र ग्रह आज सूर्य के साथ हैं। तो दोस्तों, आज का जो ग्रह सहयोग है वो बाजारों के अंदर मिश्रित रूप की रचना करता है। आज अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। जी अखिलेश जी। जी, तो यानी कि आज अतिरिक्त सावधानी बरत के चलना चाहिए राशिफल के हिसाब से। यहीं से कर्नल अजय जी, बात करें अगर कम्युनिटी बाजार के अपडेट की, तो कम्युनिटी बाजार में देख रहे हैं कि आज वायदा बाजार NCDX लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। कल को हमने अच्छी तेजी आती देखी थी, आज हम देख रहे हैं कि पूरा ही वायदा बाजार लाल निशान पर है। हर एक के अंदर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और मुनाफा वसूली से बात करें अगर गवार की, तो गवार गम और गवार सीड में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। जैसा आपने पहले संकेत दिए थे और बताया भी था कि गवार में उठापटक आगे भी जारी रह सकती है, वो हम वैसा होते हुए आज भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आज भी गवार सीड में तेजी देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से करेक्शन और ज़्यादा गहराएगी? देखिए, गवार सीड जो है, मैंने दर्शकों के लिए हमेशा एक कुछ ग्राउंड स्थिति लेके आते हैं। जो गवार सीड की जो अराइवल थी वो तकरीबन आ चुकी है। अब छुटपुट अराइवल है, एक ये फंडामेंटल कह रहे हैं। दूसरा, गवार सीड के अंदर जो NCDX के पर जो वायदा बाजार में चल रहा है, वहां के पर वॉल्यूम पे भी हम नजर डालें तो एक वो संशय पैदा करता है, वॉलिटिलिटी देता है। तो इन सबको देखते हुए गवार सीड के अंदर एक आध दिन के अंदर थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रह सकती है, उतार चढ़ाव रह सकता है। लेकिन गवार सीड के अंदर अब आने वाले समय के अंदर एक बड़ा मुनाफा वसूली होगी या फिर एक बड़ी तेजी, वो उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। उसके लिए हम मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर एक एक्सक्लूसिव शो कल या परसों में लेके आएंगे, तो उसको बिल्कुल देखना ना भूलें।
क्योंकि ग्वार सीड की हर तेजी और मंदी का अग्रिम अनुमान विश्लेषण हमने आपको दिया है जो कि 37वीं साबित हुआ। लगभग 8 महीने पहले आपको ग्वार सीड में तेजी की बात कही थी, उसके बाद में आपको मंदी के संकेत भी दिए थे, दोनों ही सत्य साबित हुए। दोस्तों यही हाल सोयाबीन के ऊपर यदि था, अखिलेश जी आपको याद है कि हमने सोयाबीन के ऊपर आपको एक कुछ विश्लेषण दिया था, यदि आपको आज याद हो तो। जी जी कन्हैया जी, जी आपने सोयाबीन के ऊपर बताया था कि सोयाबीन में आपको ज्यादा गिरावट की आशंका नहीं लग रही है। सोयाबीन में अभी हाल फिलहाल में बाजार भले ही मंदा रहे लेकिन ज्यादा गिरावट की संभावना आपके द्वारा व्यक्त नहीं की गई थी उस दौरान भी। और हमने कल को देखा था कि सोयाबीन में निचले स्तर से खरीदारी बनी थी और सोयाबीन 6300 के ऊपर भी जाता हुआ नजर आया था। देखिए अखिलेश जी आपको याद होगा कि जब सोयाबीन के ऊपर के वायदे पे रोक लगी थी और जो ऑयल खाद्य तेलों के ऊपर सरकार ने ये प्रयास किया था कि इसके अंदर कुछ लगाम लगाई दी जाए और उसके अंदर कुछ उसका असर देखा भी गया था कि एमआरपी के ऊपर कुछ प्रमुख जो ऑयल की ब्रांड्स थे उन्होंने भी कुछ गिरावट की और उसमें उन्होंने चर्चा की थी तो, और वो हुई भी कुछ। लेकिन आपको याद होगा हमने एक बात आपको कही थी कि खाद्य तेलों के अंदर तेजी मंदी या ऑयल सीड के अंदर तेजी मंदी का पूरा अख्तियार सरकार के पास या भारतीय कारोबारी या व्यापारियों के पास नहीं है। ये जो तेजी और मंदी है वो ग्लोबल मार्केट्स की तर्ज पे चलेगी और इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। और देखिए वहां से लगभग 12-15% की एक तरफा तेजी जो ऑयल सीड्स में हुई, चाहे वो खाद्य रिफाइंड सोया ऑयल हो या फिर सोयाबीन हो, और जिन कारोबारियों ने हमारे को बहुत ध्यान से सुना था, हमारे शब्दों को ध्यान दिया था और उन्होंने उस गिरावट का पूरा फायदा उठा के माल खरीदा, और जिन्होंने और बड़ी मंदी की सोच के रख के माल नहीं खरीदा अब वो बड़े परेशानियों के अंदर उनको नजर आ रहा है। और अब वो दोष सारा दे रहे हैं कि एनसीडीएक्स पे सट्टा हो रहा है या ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। तो देखिए एनसीडीएक्स जिम्मेदार नहीं है तेजी मंदी का, जिम्मेदार है आपकी डिमांड एंड सप्लाई, जिम्मेदार है आपके सही समय पे सही निर्णय नहीं लेने की आपकी गलती जी। और पूरे विश्व के अंदर जब बाजार में तेजी चलेगी तो एनसीडीएक्स में क्या आप उम्मीद करोगे कि वो कमी हो जाएगी? बिल्कुल नामुमकिन है और ये संभव भी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, ये किसी के चाहने से होगा भी नहीं। और ये क्योंकि व्यापार व्यवसाय जो है ये पूरे आज जो ग्लोबल विलेज है, एक छोटा सा कस्बा हो या अमेरिका हो या जापान हो या मलेशिया अर्जेंटीना ब्राजील हो, सबको बहुत बारीकी से लोग वॉच करते हैं। आज जो किसान है हर छोटी से छोटी गांव में कस्बे में ढाणी के अंदर हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है, वो सीबॉट को भी देखता है, वो अमेरिका को भी देखता है, वो अर्जेंटीना को भी देखता है, वो ब्राजील को भी देखता है, वो खाली एनसीडीएस को नहीं देखता है, जैसे व्यापारी वर्ग सभी को देखते हैं वो भी देखता है और उसका अनुमान लगाता है। एनसीडीएक्स के अंदर उनको भारतीय बाजारों के दाम मिल जाते थे, प्राइसिंग मिल जाती थी तो उनको सोचने समझने में आसानी हो जाती थी। एनसीडीएक्स सिर्फ प्राइसिंग कर रहा है, उसके वेयर हाउस स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ा माल उपलब्ध भी नहीं है। तो जिम्मेदार एनसीडीएक्स कैसे हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ये जो कारोबारी जो मिल ऑनर्स और जो किसान हैं या बड़े कारोबारी हैं जिन्होंने टाइमली अपने डिसीजन नहीं लेंगे तो उनको नफा नुकसान होगा, इसमें परेशानी कहाँ है? यदि एग्जाम के दिनों में नहीं पढ़ोगे, पहले आपने पढ़ाई नहीं किया है और एग्जाम जब आएंगे उस वक्त आप हल्ला करोगे कि मुझे ये हो गया वो हो गया, लाइट नहीं है, मास्टर जी उपलब्ध नहीं है, किताबें उपलब्ध नहीं है, अरे भाई पूरा साल क्या किया तुमने? तो कहने का मतलब ये है कि तेजी में तेजी कहने वाले और मंदी में मंदी कहने वाले विशेषज्ञों को भी आप परखो कि 10 दिन पहले क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। तो सोयाबीन के अंदर अब थोड़ा मुनाफा वसूली की संभावना बनती है क्योंकि निचले स्तर पे जिन्होंने माल खरीदा उनको फायदा लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि माल गिरावट में खरीदो और ऊंचे आने पे बेचो, टाइमली प्रॉफिट भी बुक करो। टाइमली प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कर रहे हो? बिल्कुल करो। निचले स्तर से जो 10-15 दिन के अंदर जो 12-15% की जो तेजी आई है उसका फायदा उठाओ, उसको मुनाफा वसूल करो, फिर जब नीचे आएगा फिर दोबारा खरीदेंगे। महंगा आएगा महंगा बिकेगा, सस्ता आएगा सस्ता बिकेगा, उसमें समस्या नहीं है। तो जो इस व्यापारिक तर्ज को चलेगा वो निश्चित रूप से फायदा उठाएगा और बाकी तो सब जो सब कहने की बात चलती रहेगी। जी जी जी
ये से कनलचा जी, बात करें अगर कपास खली की, तो कपास खली में भी देख रहे हैं कि अब हम की हल्की सी करेक्शन आज बननी शुरू हुई है। आपने पहले भी बोला था कि बिनौला खल में तेजी तो रहेगी, लेकिन इसी बीच मुनाफा वसूली भी बनेगी, आपने पहले ही संकेत दे दिए थे। तो क्या ये सही समय है बिनौला खल के व्यापारियों को और कारोबारियों को संभल जाने का? देखिए, मैं हमेशा यही कहूंगा कि जो व्यापारिक बुद्धि है या व्यापारिक टैक्टिक्स है, जिसे हम लोग रणनीति कहते हैं, वो जब एक तेजी अच्छी बन जाती है तो उसके अंदर यदि मुनाफा वसूल यदि व्यापारी ना करे या कारोबारी ना करे तो ये समझदारी की बात नहीं होती जी। क्योंकि बाजार जो है वो तेजी और मंदी के दोनों चलेंगे। जब एक अच्छा मुनाफा आ जाता है, लगभग ऑल टाइम हाई बन जाता है, एक साल के उच्चतम स्तर को बहाव क्रॉस कर जाता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने कुछ परसेंटेज जो है उसके मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई दोराय नहीं। जी जी जैसे कर्नल जी, बात करें अगर अब नॉन एग्री कमोडिटीज की, तो नॉन एग्री में हमने देखा है कि आज नॉन एग्री भी लाल निशान पर है, बेस मेटल्स हो, क्रूड हो या फिर बुलियंस हो। आपके अकॉर्डिंग आज किस नॉन एग्री कम्युनिटी में कैसा ट्रेड देखने को मिल सकता है? आपको याद होगा कल हमने चांदी के अंदर तेजी की बात कही थी, सुबह लाल निशान में था और हमने कहा था कि हमें चांदी यानी बुलियन के अंदर तेजी नजर आ रही है। कल चांदी ने 62,500 से ऊपर का लक्ष्य देखा, 500-700 रुपए कमा के भी दिए, अच्छी नीचे निचले स्तर से यदि हम कैलकुलेट करें तो बुलियन ने अच्छा कल मूवमेंट दिया था। आज वॉलिटिलिटी रहने की संभावना है, बुलियन के अंदर बच के चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कि हर रोज ट्रेड करना हमेशा जरूरी नहीं होता, कि जब वॉलिटिलिटी होती है तो छोटे कारोबारियों को बचना चाहिए। जी ये अखिलेश जी। जी इसे कनल जी, बात करें अगर शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में भी आप लगातार बताते आ रहे हैं कि वॉलिटिलिटी देखने को मिली है और हमने वैसे होते हुए देखा भी है, आज क्या संभावना है शेयर बाजार में? शेयर बाजार के अंदर देखिए, ग्रह स्थिति और के अनुसार और जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके मुताबिक जो है बाजारों के अंदर कुछ गिरावट की संभावना बन रही है, और इसमें विदेशी बाजारों का भी एक इसमें एक हाथ हो सकता है, क्योंकि फेड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं और उनको लेने भी थे, क्योंकि पिछले कई सालों से कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से और दूसरे वेरियंट्स के वजह से लगातार क्यूई रहा विदेशी बाजारों में, खासकर यूएस के अंदर, और बहुत जबरदस्त वहां पे उन्होंने रिलीज भी किए। इंटरेस्ट रेट को उन्होंने बिल्कुल नहीं बढ़ाया और ऑलमोस्ट शून्य के स्तर पे इन्होंने मेंटेन किया है, और अब जैसे फेड ने पहले भी इसका इशारे दिए थे कि हमेशा ये स्थिति नहीं रह सकती, क्योंकि आप हमेशा ऑन टोज खड़े नहीं रह सकते, यानी आप हमेशा पंजों के बल खड़े नहीं रह सकते, आपको अपने सोल पे यानी फ्लैट सोल पे आना ही पड़ेगा। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के अंदर आप लगातार पैसा पंप नहीं कर सकते, उसको देखते हुए फेड ने जो डिसीजन लिए है कि एक तो इंटरेस्ट रेट के अंदर बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं, दूसरा उन्होंने बॉन्ड्स वगैरह की जो परचेजिंग थी उसको उसके ऊपर भी बॉन्ड्स बाइंग के अंदर उसमें भी रोक लगाने की और उसमें कटौती करने की घोषणा की है। इससे बाजारों में मुझे लगता है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, और जो बाजार एक तरफा चल रहे थे उनके अंदर कुछ परेशानी बढ़ सकती है, और इसका असर पूरे ग्लोबल मार्केट पे पड़ेगा। और मोर ऑर लेस मेरे का तो यही कहना है कि जो स्ट्रेटेजी अमेरिका ने अपनाई है वो स्ट्रेटेजी बाकी विकसित देशों भी धीरे धीरे अपनाएंगे, और उसका असर जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे मार्केट है या एशियन मार्केट है, चाहे चाइनीज मार्केट हो, चाहे जापानीज मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, या जो सार्क कंट्रीज के जो मार्केट्स हैं या ब्रिक देश के हैं, उनका उसमें विदेशी निवेशकों का बहुत ज्यादा हाथ होता है। जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, बाजारों के अंदर लिक्विडिटी यानी तरलता का अभाव यानी उसमें कमी होती जाएगी, और जब इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट रेट पे होते हैं तो ज्यादातर जो निवेशक हैं उनके पास अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं निवेश के, तो वो ही जो पैसा इन्होंने यहाँ कमाया बाजार से उसको वहां पर कुछ प्रतिशत वो शिफ्ट करते हैं, और यही हाल देखा रहा यदि आप पिछले 2-3 महीने से लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों को देख रहे हो तो आपको मेरी बात को बिल्कुल समझ आ रहा होगा, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं, और पैसा निकालने के साथ साथ एक और देखिए कि पिछले लगभग 2021 के अंदर भारत में बहुत बड़ा सोने की खरीदारी भी की है, और ये भी एक गौरतलब है कि जो इकोनॉमिस्ट के नियम को समझते हैं कि जो गोल्ड बाइंग है
वो नॉन इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो नॉन प्रोडक्टिविटी है, वो उसके अंदर सिवाय ज्वेलरी एक्सपोर्ट के उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो आपका जो विदेशी भंडार कम हुआ है गोल्ड के खरीदने से, जिसका उपयोग नहीं है, यदि आप मशीन खरीद रहे हैं या आप खाद्य तेल खरीद रहे हैं या आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो उसका उत्पादक भी उत्पादन में रोल होता है। लेकिन अभी आप सोना खरीद रहे हो और उस सोने को आप डंप कर रहे हो, तो ये किसी विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। ये इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, यदि घर के अंदर आप गोल्ड खरीद रहे हो, गोल्ड खरीद रहे हो, यदि आपकी बचत का 5% 10% तो ठीक है, लेकिन आपकी बचत का यदि मान लो आप 30% 40% गोल्ड खरीद रहे हो तो, और उसका उपयोग नहीं ले रहे हो, तो वो आपके लिए सरदर्द बन जाता है। तो यदि देश को आगे बढ़ना है तो गोल्ड की खरीदारी कम करनी पड़ेगी और कम करनी भी चाहिए, अन्यथा इसका फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं होता है। जी अखिलेश जी, जी तो कुछ ऐसा रह सकता है आज आपका राशिफल, शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक, बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।